जो किया उस पर पछताता नहीं, इसलिए लोग मुझे सिकंदर कहते हैं। अपनी तकदीर मैंने खुद लिखी है भारतीय, और किसी ने कहा है कि मेरी तकदीर भारत से जुड़ी है। मैं भी तो देखूं कि उस भारत की मिट्टी में इतना ताब है भी या नहीं कि वो अलेक्जेंडर के जलाल का सामना कर सके। तैयार रहना, क्योंकि अलेक्जेंडर ने जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा। ये अंतर है तुम में और हम भारतीयों में। बात हमारी माँ या मातृभूमि पर आए तो हम प्राण देना जानते हैं, और यदि शत्रु दया मांगे तो हम भारतीयों का हृदय इतना बड़ा है कि हम उसे क्षमा कर देते हैं। यह है भारत की माटी का प्रताप जो हमें युद्ध जीतने की शक्ति देता है और अपने शत्रु को क्षमा करने का बल भी। संसार हमारी विजय को याद रखे, उसके लिए हम शत्रु के प्राण नहीं लेते, पर शत्रु हमारे बल को याद रखे उसके लिए हम उसे प्राण दान देते हैं। युद्ध जीतने के पश्चात हम शत्रु की धरती पर अधिकार नहीं करते अलेक्जेंडर, हम उसके साहस को सम्मान देते हैं, उसका आदर करते हैं। हम भारतीय युद्ध जीतते हैं गरिमा से, निष्ठा से, सम्मान से, ना कि क्रूरता से। हम अपने शत्रु के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें। चलाओ अपनी शमशीर और चीड़ दो मेरा सीना, और कर दो इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म। अवश्य मार देता, और मैं यहां तुम्हें मारने नहीं, एक चेतावनी देने आया हूं। मेरे भारत को फारस समझने की भूल मत करना। मेरी मातृभूमि पर पूरी दृष्टि मत डालना, क्योंकि मेरी मातृभूमि का मूल्य मेरे प्राणों के मूल्य से कहीं अधिक है। तुमने मुझे मारने के प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर उल्टा मैं तुम्हारे गले पर तलवार ताने खड़ा हूं। ये परिणाम होता है मुझे चुनौती देने का। अब तुम सोच लो, बात यदि मेरी मातृभूमि पर आई तो उसका ये लाल तुम्हारा क्या हाल करेगा।